इंडिया बेस्ट डांसर को आज अपना टॉप 7 सिर्फ कंटेंडर मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, लगातार पिछले कई एपिसोड्स के दौरान मैं अपने टॉप 6 कंटेंडर देखा था, जहाँ की इस वीकेंड में नया चमत्कार देखने को मिला है। सैटरडे के दिन में जहाँ 2 कंटेस्टेंट को 30 की फुल स्कोरिंग मिली थी, तो वहीं आज संडे के दिन में 3 कंटेस्टेंट को 30 की फुल स्कोरिंग मिली है। और 2 ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जिन्हें की 29 की स्कोरिंग मिली है, और ये सभी 7 के 7 कंटेस्टेंट टॉप 7 कंटेंडर बन गए हैं। जिसमें की सैटरडे की बात की जाए तो चित्रांशी और हर्ष, इन दोनों की जोड़ी को 30 की स्कोरिंग दी गई थी और ये दोनों टॉप 7 कंटेंडर में आ चुके हैं। तो वहीं आज संडे के दिन में जहाँ की नेप और वर्तिका की जोड़ी को 30 की फुल स्कोरिंग मिली है, दूसरी तरफ अर्जुन और पंकज के परफॉर्मेंस को भी 30 की फुल स्कोरिंग दी गई है, और स्टीव और रतिम के परफॉर्मेंस को भी 30 की फुल स्कोरिंग मिली है। तो इस तरीके से यह तीनों भी टॉप 7 कंटेंडर में चले गए हैं। तो इस तरीके से 5 कंटेस्टेंट होते हैं दोस्तों, और जहाँ की 2 कंटेस्टेंट जिन्हें की 29 की स्कोरिंग टाइप हुई है, उसमें कल रोहन और आकाश की जोड़ी थी, तो वहीं आज निखिल और आशुतोष की जोड़ी थी जिन्हें की 29 की स्कोरिंग मिली है, और यह दोनों कंटेस्टेंट जोड़ी भी टॉप 7 कंटेंडर बन गए हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि कल के डेट में चित्रांशी, हर्ष और रोहन, तो आज के दिन में नेपो, अर्जुन, स्टीव और निखिल, यह सभी टॉप 7 कंटेंडर बन गए हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें कि आपने इन तमाम बातों को जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इंडियन बेस्ट डांसर के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।